सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले एक विलन रेडर्स के डे नंबर 2 के ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, यानी कल के सैटरडे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। और ये चीज सुनकर आप लोगों का भी अच्छा लगेगा कि काफी लंबे अरसों के बाद कोई बॉलीवुड मूवी का पहले दिन का कलेक्शन दूसरे दिन से ज्यादा आया। तो कलेक्शन को बताने से पहले जितने भाई लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मूवीज के अपडेटेड वीडियोस इस चैनल के अंदर आपको रोजाना देखने को मिलता है। सभी पॉइंट पे आते, एक विलन रेडर्स जो कि 29 जुलाई को थिएटर में लगा था एंड उसके लगने के बाद, और मुझे नहीं लगा था कि डे वन के कलेक्शन के बाद डे टू के अंदर भी वैसा ही कलेक्शन करता हुआ नजर आएगा। एंड ये मेरे को काफी ज्यादा सरप्राइज किया, क्योंकि जब ये मूवी रिलीज हुआ एंड उसके बाद इसमें के स्टोरी को लेके, इस मूवी को लेके, इस मूवी के स्टार कास्ट को लेके बहुत सारी चीजें कहा गया था कि मूवी अच्छा नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने भी रिव्यू किया था, मुझे भी मूवी इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा था। अभी भी चैनल के अंदर जाके देख सकते हो, मैंने ये नहीं कहा था कि मूवी बहुत खराब है। मैंने कहा था कि जो हाइप था एंड जिस हिसाब से पहला वाला पार्ट था उससे तो ये अगर कंपेयर करोगे तो बिल्कुल भी ये मेरे को अच्छा नहीं लगा। वो चीज मैंने इसके अंदर बताया था रिव्यू के अंदर, भी चैनल पे है, जाके चेक कर सकते हो। तो मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि पहले दिन जो भी कलेक्शन करे दूसरे दिन का कलेक्शन भी लगभग वैसा ही करेगा, लेकिन सरप्राइजिंगली एक विलन रिटर्न्स ने वैसा ही करके दिख अपने डे वन के अंदर 7.50 का कलेक्शन किया था और अपने डे टू के अंदर यानी सैटरडे के अंदर 7.47 करोड़ का कलेक्शन अपने डे नंबर 2 से इसने करके दिखा। और ये चीज मैंने लगभग बड़े लंबे अरसों के बाद देखा कि कोई बॉलीवुड मूवी का कलेक्शन अपने डे वन के अंदर जो आता है सेकंड डे के अंदर भी लगभग वैसा ही कलेक्शन, टक्कर वाला कलेक्शन देके जाता है। तो इसी के साथ अपने डे नंबर 2 के बाद एक विलन रिटर्न्स का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है 14.47 करोड़, लगभग 14.5 करोड़ का कलेक्शन एक विलन रिटर्न्स अब तक कर चुका है। आप लोग 15 करोड़ भी कह सकते हो। और अभी भी इस मूवी के पास पूरा 10 दिन बचा है, आज संडे है, वीकेंड यहाँ पे खत्म हो रहा है, उसके बाद और एक वीकेंड उसको मिलेगा एंड इस वीकेंड के अंदर किस तरीके से परफॉर्मेंस करता है उससे पता चलेगा कि ये किस तरीके से कलेक्शन करेगा। तो आप लोग अभी मेरे को बताओ ये मूवी आने वाले 10 दिनों के अंदर कितना कलेक्शन कर सकता है, अपना बजट रिकवरी करेगा एंड उसके बाद प्रॉफिट भी कमा पाएगा या फिर नहीं कमा पाएगा, वो मुझे कमेंट बॉक्स में उसे बता सकते हो। क्योंकि उसके बाद 11 अगस्त को जो दो बड़े मूवी यहाँ पे रिलीज हो रहे, अक्षय कुमार का रक्षा बंधन और आमिर खान का लाल सिंह चड्ढा है, तो तब तक ये मूवी जितना कलेक्शन कर सकता है कर ले, क्योंकि उसके बाद आपको पता है बताने की कोई जरूरत नहीं। और शमशेरा मूवी के बहुत सारे स्क्रीन भी यहाँ पे 1 बिलियन रिटर्न्स को मिल चुके हैं, तो आई थिंक ये मूवी आने वाले टाइम के अंदर कुछ कलेक्शन अच्छा करेगा एंड जो है अपना बजट भी रिकवरी करेगा और कुछ प्रॉफिट भी कमा के जाएगा। तो इस विषय में आप लोग क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में उसे बता सकते हो। इस मूवी का लाइफ टाइम कलेक्शन क्या होने वाला है, प्रेडिक्शन करना है तो कमेंट बॉक्स में उसे बता देना। सो आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करते हो जाना। सो आज के लिए इतना ही, मिलता है आप लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय।